where we should spend more time on happiness or quest for happiness? ध्यान से सुनो, हमें कहां ज्यादा समय बिताना चाहिए, खुशियों में या खुशियों की तृष्णाओं में? खुशियों में। अच्छा, हम ज्यादा समय कहां बिताते हैं? खुशियों की तृष्णाओं में। बट आइडियली वी शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम इन हैप्पीनेस। हमको तो खुशियों में ज्यादा समय बिताना चाहिए ना, पर हम ज्यादा समय बिताते हैं खुशियों की तृष्णाओं में। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने लोग जो घर खरीदते हैं, मान लीजिए किसी ने अगर द्वारका में घर लिया, 1.25 करोड़ का उसने घर लिया, 75 लाख खुद का लगाया, 50 लाख उसने लोन लिया, इस लोन को चुकाते चुकाते जो है उसका एक पांव कब्र में आ जाता है और कहते हैं चलो जी घर मेरा हो गया, और फिर दूसरा पांव भी कब्र में आ गया, चलो जी। सो वी स्पेंड मोर टाइम इन क्वेस्ट फॉर प्लेजर। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, ही वॉज कॉलिंग आउट, लैला लैला। तो व्यक्ति आके बोला, भाई तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, लैला लैला क्या हो गया? कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो जनकपुरी भाग गई, वो उसका नाम लैला है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा तो ऐसे मत चिल्ला, लैला लैला मैं लेके आता हूँ उसको। वो ले आया, कहता ये तेरी लैला? हाँ जी यही है, उसकी शादी वादी करा दी, घर पर बैठा दी, कहता अब तो ठीक है? हाँ जी। अब तो नहीं चिल्लाएगा? हाँ जी नहीं चिल्लाएंगे जी। तो आफ्टर फ्यू मंथ जो है फिर से ये व्यक्ति जो है बाहर लगा हुआ था, लैला लैला, कहते फिर भाग गई क्या वो? कहते नहीं, अंदर ही बैठी है। फिर कुछ चिल्ला रहे तो उसका नाम लैला लैला, कहता मैं तो लैला लैला नहीं बोला, मैं उसका लैला, आप लैला लैला। सो फर्स्ट देर इज हैंकरिंग, देन देर इज लैमेंटेशन। हैंकरिंग एंड लैमेंटेशंस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आई रिपीट, हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और इस तरह से खुशियों की तृष्णाओं में व्यक्ति ज्यादा समय बिताते हैं, और वो तृष्णा जब पूरी नहीं होती फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है विच इज वेरी अनडिजायरेबल। तो इससे जो है उसमें संतोष रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं, द ऑस्टेरिटी फॉर द माइंड इज सेटिस्फैक्शन। मन की तपस्या क्या है? संतुष्ट रहना, जो है उसमें संतुष्ट रहना। लोग संतुष्ट है ही नहीं। यहां पर व्हाइट बोर्ड तो नहीं हुआ, एनीवेज चलो ठीक है वैसे लेते हैं। Like somebody, when somebody enters the corporate world, वो एंटर करता है, सो ही joins as an executive, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव से उसको जाना है सीनियर एग्जीक्यूटिव, उससे पूछेंगे भाई साहब ये यहाँ से ये मैनेजरियल हायरार्की में आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं? वो कहेगा जी एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे ना जी, देन आई विल बी सेटिस्फाइड। कहता अच्छा, सो यू विल बी सेटिस्फाइड, वेरी गुड। अच्छा तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? हाँ जी, इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? बड़ा मुश्किल सवाल है क्या? इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। से नो टू सेटिस्फेक्शन, ओके, से नो टू सेटिस्फेक्शन, ग्रो फर्दर। अच्छा आप यहां से मैनेजर बन गए, अब कहते अच्छा आप ग्रो क्यों कर रहे हैं सर? कहते सेटिस्फेक्शन, एक बार मैनेजर बन जाऊंगा ना आई विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा ठीक है, आप यहां से यहां पहुंच गए आप, सो आप सेटिस्फाई हो गए। अच्छा इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो, सो से नो टू सेटिस्फेक्शन, ग्रो फर्दर। आप सीनियर मैनेजर बन गए, बट सर वाई आर यू ग्रोइंग फॉर सेटिस्फेक्शन? ठीक है जी, ओके वेरी गुड, आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, बट इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो, सो से नो टू सेटिस्फेक्शन, ग्रो फर्दर। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहुँच गए, अच्छा बट सर वाई आर यू ग्रोइंग फॉर सेटिस्फेक्शन? राइट, अच्छा बट इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो, सो से नो टू सेटिस्फेक्शन, ग्रो फर्दर, बिकम सीईओ। सर आप सीईओ बन गए, सर आप ग्रो करें, बट वाई आर यू ग्रोइंग फॉर सेटिस्फेक्शन? अच्छा बट इफ यू आर सेटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो, सो नो टू सेटिस्फेक्शन, ग्रो फर्दर, बिकम चेयरमैन। इस तरह से व्यक्ति ग्रो करता रहता है बट विदाउट एनी सेटिस्फैक्शन। अब देखा गधे का मालिक गधे को कैसे चलाते हैं, वो ये करता है गधे के आगे ना ऐसे एक गाजर टांग देता है ऐसे, और गधे को लगता है मैं 2 कदम चलूंगा ना फिर एक गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी, ठीक है। और 2 कदम चलता है पर गाजर भी आगे बढ़ गई, ठीक है जी। कहता हो गाजर और आगे चली गई, फिर 2 कदम और चलता है गाजर और आगे। इस तरह से चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, लेकिन गाजर उसके मुंह में आती नहीं है। इस तरह से व्यक्ति कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसे बढ़ता रहता है कि एक दिन सेटिस्फैक्शन की गाजर मेरे मुंह में आएगी, लेकिन वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन की गाजर उसके मुंह में आती नहीं। इसको बोलते हैं गधे की जिंदगी।
अच्छा मतलब कॉर्पोरेट लाइफ इज डोंकी लाइफ। बस आज आपने बता दिया जी हमको, अभी मैं मैसेज करता हूँ अपने बॉस को, आई एम रिजाइनिंग, इनफ ऑफ दिस लाइफ। डियर बॉस, टुडे वन हरे कृष्णा पर्सन केम टू आर ऑफिस, ही मेक मी रियलाइज दैट आई एम जस्ट अ डोंकी। प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस वर्किंग अंडर यू। हैव अ ग्रेट लाइफ सर, सिंसियरली योर्स, योर नेम। सेंड। करेंगे ऐसा? हम नहीं करेंगे। इट इज नॉट दैट जस्ट बाई वर्किंग वी बिकम डोंकी, बट वट एटीट्यूड आर वी वर्किंग, हम किस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग जो बड़े डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो लेकिन वो डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। रीजन बींग द स्टेट ऑफ माइंड विल ऑलवेज बी देयर विद अस इरिस्पेक्टिव आवर सराउंडिंग्स। हम आसपास की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन आसपास की परिस्थितियों को बदलने से जीवन नहीं बदलता, मनःस्थिति बदलने से जीवन बदलता है। पर परिस्थिति चेंज करने आते, कहते एक बार ये बॉस चेंज हो जाए ना फिर सब बढ़िया हो जाएगा। कहते खूब खून चूसता है मेरा यार, कमरे बुलाएगा, हे कम टू द रूम, आई वांट टू हैव मीटिंग विद यू। उसका वहां पर स्ट्रॉ लगाता है, खून पीता है मेरा। बॉस चेंज हो जाए ना अच्छा रहेगा, ये मेरा पियर चेंज हो जाए ना ये अच्छा रहेगा, काश मेरी बीवी चेंज हो पाती, इतना खून चूसती है मेरा, काश मेरा संगी पति ये चेंज हो जाता। हम आसपास की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन असल में परिस्थितियां नहीं बदलनी, हमें क्या बदलनी है, मन स्थिति, मन की स्थिति बदलनी है हमें।